नमस्कार। उपचुनाव को लेकर के बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजद ने फिर से अपने सीटों में एक और सीट का नाम जोड़ लिया है। नाम है बोचहा विधानसभा सीट का, जहां तेजस्वी यादव ने साफ पहले ही कर दिया था कि इस बार उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा जो जीत हासिल करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ प्रयास करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम कोई विधायक 10 सालों में करेगा, वही यह लड़का महज 2.5 सालों में करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि जब से आपको बता दें कि पासवान की निधन हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार VIP समेत तमाम पार्टियों का यहाँ पर नस्तनाबूत होने की तस्वीरें सामने आती रही। इसके साथ ही इस बात का भी लगातार खबरें आया कि VIP और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयरिंग होगा और यहाँ पर राजद बाजी मार सकेगी। राजद ने फिर से यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। लगभग आज यहाँ अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी और VIP पार्टी अपने में उलझ कर रह गई, जहाँ नीतीश कुमार से लेकर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगातार पहुँच कर और एक बाद एक कई बड़े और महत्वपूर्ण रैलियां की थी। इस रैली का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। EVM मशीनों में जनता ने जो अपनी महत्वपूर्ण मताधिकार का प्रयोग कर कैद किया, उसका तस्वीरें आज साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा अपना प्रयास किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी NDA के लिए वोट मांगने को कहा गया था। बोचहा में नीतीश कुमार भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं VIP लगातार कल के दिन में अपनी बातों को रखते हुए कहा था उन्होंने कि जिस तरीके से महज कुछ समयों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार VIP को विलय करने में लगी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि मानसिकताएं ठीक नहीं है। इन सभी चीज़ों पर सवाल उठना लाजमी था। अब लगातार आ रही बड़ी खबर के अनुसार VIP और भारतीय जनता पार्टी दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया है और लगभग 8 राउंड काउंटिंग होने के बावजूद लगातार आ रही बड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ VIP दोनों का वोट शेयरिंग होने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है और दोनों पार्टियां यहां पर हारते हुए दिखाई दे रही हैं। यहां पर लगातार बेबी रानी को महज 10,000 से ज़्यादा कुछ वोट मिला हुआ है, जबकि RJD के प्रत्याशी को यहां पर 23,000 से ज़्यादा वोट मिला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बड़े मत से यहां पर कहीं ना कहीं लीड करने की बात शुरू हुई है। शाम तक इसका साफ हो जाएगा कि जीत कौन हासिल करता है और किससे मिलता है सर्टिफिकेट। बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।